गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th सब्जेक्ट SST. SST में जो हमारे चार बुक्स हैं, फोर बुक्स है, एक ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले आज हम ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफी की जो बुक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं. उसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, कि रिसोर्स क्या है और डेवलपमेंट क्या है. तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स का मीनिंग होता है एक तरह से संसाधन, और डेवलपमेंट मीन्स विकास. तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स संसाधन और विकास, इस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास. एट फर्स्ट वी लर्न कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स. हम रिसोर्स किसे कहेंगे, रिसोर्स क्या है, संसाधन किसे कहते हैं. वैसे जनरली यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स इन ब्रीफली. तुमने जो पिछली जो हमारी कक्षा है 8th और 9th में, आपने रिसोर्स के बारे में अध्ययन किया था कि मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो मानव की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है वही संसाधन है. इस समय मान लीजिए मेरे पास में ये ब्लैक बोर्ड है, नोटबुक है, और मेरे पास में डस्टर है, चौक है, ये मेरे संसाधन है, क्योंकि इनके बिना मैं अध्ययन नहीं करा पाऊंगा. तो मानव की जो आवश्यकता की जो पूर्ति करता है वे रिसोर्स है. डेफिनेशन देखते हैं कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइड इट इज दैट टेक्नोलॉजिकली एसेसिएबल, इकोनॉमिकली फेसिएबल एंड द कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स. कि रिसोर्स किसे कहेंगे हम, संसाधन किसे कहेंगे, कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, कि हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें प्रत्येक वस्तु जो है अवेलेबल है. अवेलेबल मीन्स विद्यमान है. हमारे पर्यावरण के अंदर प्रत्येक वस्तु क्या है, विद्वान है. विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, जो हम अपना सेटिस्फाई अपनी संतुष्टि के लिए हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं. किसके लिए, नीड्स, हमारी आवश्यकता के लिए हमको पूरा करना. और वे हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड इट इज दैट टेक्नोलॉजी. अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति में जो एज ए रॉ मेटेरियल के रूप में जो संसाधन है उनको हम टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी एसेसिएबल और द इकोनॉमी, हम उसको तकनीकी रूप से यानी कि आर्थिक रूप से संभव हो सके, एसेसिएबल में उसको संभव बना सके, इसके लिए इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, और उसको हम इकोनॉमिक दृष्टि से उसको मजबूत बना सके. फैशियबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स, और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि इन नेचर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास में मान लीजिए कोई ट्री प्लांटेशन है. अब उस ट्री प्लांटेशन को उसको कटिंग करने के बाद में उसको फर्नीचर के रूप में यूज किया जाता है, और उस फर्नीचर से उसको सेल आउट किया जाता है. तो ये क्या हुआ, जो नेचुरल जो प्लांटेशन है उसका कटिंग करना, टेक्निकली उसको उसके तकनीकी माध्यम से उसको चीर कर काट कर उससे फर्नीचर बनाना, और फर्नीचर बनाने में उसको सेल आउट करना, ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी एसेसिबल. क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स बोलेंगे, संसाधन.
मेरे सर लोग तो नहीं गए जो कि आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल नाउ वी डिस्कस अब हम करेंगे कि ये जो हमारा जो रिसोर्स है तो इसका क्या एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से किस प्रकार से नेचर से और जो ह्यूमन बींग है उससे किस प्रकार से ये रिलेटेड है, जैसे ये कह सकते हैं हम इंटरडिपेंडेंस है, किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है इसमें नेचुरल और ह्यूमन बींग्स में। देखो नेचुरल में जो नेचुरल हमारा एनवायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण में प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक जो चीज है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फ्री, यानी स्वतंत्र रूप से मिलती है। उसमें जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग जो मानव है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका निर्माण करता है, उसका निर्माण करता है जैसे इंस्टीट्यूशनल संस्था बनाता। तो ये है आपका कि रिसोर्स की डेफिनेशन कि रिसोर्स क्या है, किसे कहते हैं, और ह्यूमन बींग जो है ह्यूमन बींग नेचुरल। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के टाइप्स, यानी रिसोर्स कितने प्रकार के, मोस्टली वी कैन से टाइप्स ऑफ रिसोर्स देर आर द टू टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। मुख्य रूप से रिसोर्स को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। तो नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन इनका भी लेस एंड कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्स को भी टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल्स रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल्स जिसको हम नवीकरण कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल जिसका हम नवीकरण नहीं कर सकते। रिन्यूएबल्स में टू टाइप्स है, जैसे कंटिन्यूस और फ्लो, फॉर एग्जाम्पल वेट्स है, वाटर है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, जैविक रूप से, और बायोलॉजिकल को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल्स टू टाइप्स है, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल जैसे मेटल्स हैं, जितने मेटल्स हैं उस मेटल को हम गलाकर दोबारा से हम उसको रिसाइकलिंग करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल जिसको हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, कोई भी हमारा ईंधन है, जैसे ईंधन हम यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ह्यूमंस में जैसे टू टाइप्स में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी मानव के द्वारा जो निर्मित है, जैसे इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है। सेकेंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और उसके गुण के आधार पर, अर्थात ह्यूमन जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं आपके, रोड्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिसोर्स को मेनली टू टाइप्स में हम डिवाइड किया, नेचुरल और ह्यूमन, और इसके भी सबडिविजन किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स को किस प्रकार से डिवाइडेड किया गया। ओके थैंक यू, हो गया।